राम राम मेरे सारे भाइयों को, तो एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नंबर सक्सेना में। तो आज डेट हमारी 1 मार्च और हम दिखाते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है हमारे जिम का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ, हम वो भी दिखाएंगे कितना वो कंस्ट्रक्शन पहुंच गया है। और दूसरा, आज से ठीक 23 दिन बचे हैं, एक आज से 4 साल पहले मैं छोटी सी जर्नी स्टार्ट करी थी प्राइम फिटनेस की, और एक छोटा सा जिम अपने उससे खोला था। तो आज फाइनली उसको 23 दिन बाद 4 साल हो जाएंगे, और ये 4 साल सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जिम कभी रन कर पाऊँगा। तो सीरियसली महादेव ने बहुत साथ दिया और आप लोगों ने हमेशा साथ दिया। तो फिलहाल अब ऑलमोस्ट लेट हो गया हूँ मंदिर से आने के बाद, अब 6:30 और अब जा रहे हैं जिम, एज यूजुअल वही रहेगा, वर्कआउट कराएंगे। लेकिन आज आपको अपनी बेंच दिखाते हैं, जो मेरी बेंच प्रेस फिलहाल चल रही है 140 kg चल रही है, जितना हैवी हो सकता है उतना हैवी उठाएंगे, ठीक है। 140 तो चले जाएगा ऑलमोस्ट आराम से, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं जिम और फिर उसके आपको वो जगह दिखाते हैं अपनी, जहां आप लोगों की अपनी नई ओम प्राइम फिटनेस जिम बन रही है। तो फिलहाल चलते हैं जिम। आज वैसे से ज़्यादा लगी 1:40 लगी और 2 ही रैप लगे उस पर, और लेकिन पिछली बार अच्छी लगी थी ना। चलो कोई नहीं, प्रोग्रेस आ जाएगी। और अब 10 बजने वाले हैं, कहीं जाना है काम से एक जगह, तो फिलहाल रूटीन लोड करके सिर्फ पहले अपनी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। तो अब जा रहे थे जिम जो नई वाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ा काम है, जरा वहाँ जाना है। तो उससे पहले मैं आपको एक अपनी जो जिम बन रही है उसका एक व्यू दिखाना चाहता हूँ, कैसे उसका बन रहा है, तो ठीक है। फाइनली अपने है जिम का, नीचे तो अपने गोदाम आएंगे, ऊपर जिम आएगी। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद में अपन करेंगे, लेकिन ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। अब तक नया जिम जो आएगा वो इन फ्लोर्स में आएगा पूरा, और बाकी देखते हैं। तो फाइनली अपनी जिम पहुंच चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का आप देखो इतना पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। वो अपने दिखाए थे ना 5 गोदाम बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और मतलब बीच में कहीं है 5, और जोरों शोरों से काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगी। ये जिन अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया था किस फ्रेम में खड़ा होगा, अभी तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बन रहा है, उसके ऊपर 2 फ्लोर और आएंगे। तो अब चलते हैं जिम, एज यूजुअल आपने पहले वर्कआउट करवाएंगे फिर वर्कआउट करेंगे। और ये लोकेशन है, मैं लोकेशन एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को लोकेशन समझ में नहीं आ रही है कि लोकेशन बेसिकली है कहाँ पे। अपनी लोकेशन है शनिवार की बाज़ार से आप अंदर आओगे इधर की तरफ, तो ये है SDS स्कूल, और इधर से अपन निकल के जाएंगे SDM कोर्ट, ये इधर SDM कोर्ट है, और ये रास्ता निकल रहा है सीधे शिव मंदिर की तरफ। तो बेसिकली जो अपना जिम है वो ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये इधर से शनिवार का बाज़ार है और इधर ही अपना जिम है। तो जैसे मैंने अभी आपको जगह दिखाई कहाँ पे हमारे जिम का काम चल रहा है, तो होपफुली आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब जैसे और बनेगी तो ये तरह अपनी कोशिश है, उससे ज़्यादा अच्छी जिम बनाएंगे, और हर हफ्ते 2 ब्लॉग निकालेंगे। आज 1 मार्च है और 24 मार्च को हमारे जिम को 4 साल हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, 7 बज चुके हैं और अब आगे एक्सरसाइज करनी है, वो तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब फिर मिलते हैं अगली बार, और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी लेकिन वो अगले ब्लॉग में ज़रूर देंगे। तो ऐसे ही अपने प्यार बना के रखें, ठीक है, ऐसे अपने भाई को जितना प्यार करते हैं ऐसे करते रहिए। राम।